हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ ये जो लुक क्रिएट किया था मैंने इंडिपेंडेंस डे पे, मैं थोड़ा बहुत लेट हो गई हूँ ये मतलब आपको डिटेल में बताने के लिए। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ये वीडियो एंड तक देखिए। बहुत ही इजी वे से मैंने ये लुक क्रिएट किया है। सबसे पहले हम अपने आई बेस को अच्छे से, आई को अपने बेस से तैयार करेंगे, जैसे कि कंसीलर से। मैंने इसे अप्लाई कर लिया है कंसीलर, ताकि हमारा जो आई शेड है वो अच्छे से मतलब कलर्स उसके उठ के आए और एक अच्छा सा बेस रेडी हो जाए। फिर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से उसे सेट कर दिया है। और फिर हमारी आई मेकअप के लिए आईब्रोज अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी आईब्रोज थोड़ी बहुत ज़्यादा पतली है, तो मैंने इसे अच्छे से आईब्रो सेट किया। फिर इस पुली से मैं आईब्रो को इस तरह से शेप दूंगी। फिर मैंने लिया है ग्रीन कलर, जो मैंने बिल्कुल इनर कॉर्नर पर लगाया है। थोड़ा सा सेंटर में नहीं आना है बहुत ज़्यादा, बस हल्का सा सेंटर में करके मैंने छोड़ दिया है। फिर सेकेंड ऑरेंज कलर जो है मैंने अप्लाई किया है। ऑरेंज कलर थोड़ा सा डार्क अप्लाई करा था मैंने, ताकि जो कलर्स है वो खुल के आए। और इस तरह से अगर आपको लाइन शेड नहीं होता है तो आप इस तरह से कॉम्पैक्ट को रख कर बना सकते हैं। और फिर मैंने लिया है वाइट। वाइट हम अप्लाई करेंगे सेंटर में, और थोड़ा ग्रीन और ऑरेंज के ऊपर से हम इसे स्मच करेंगे। और फिर थोड़ा सा ग्लिटरी वाइट लेकर मैंने बीच में सेंटर में अप्लाई कर दिया है। ब्लू जो है हम नीचे आईलाइनर के अंदर लीड में और नीचे काजल की तरह अप्लाई करेंगे। और मैंने इस तरह का, मेरे पास एक लिक्विड आई शेडो है, तो उसके हेल्प से मैंने जो है वो ब्लू आईलाइनर अप्लाई किया है। और ये है मेरा बहुत ही इजी सा फाइनल सा लुक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।